हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वेक में। जैसा कि आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल टेक टू वेक है और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो सबसे पहले मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो APBS इनेबल प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन से होने वाला है फ्रेंड्स, संबंधित होने वाला है। इसके पहले हमने जो है वो फ्रेंड्स इसके टेम्परेरी सोल्यूशन यानी कि अस्थायी समाधान के बारे में वीडियो देखा है फ्रेंड्स, कि हम इस प्रॉब्लम का अस्थायी तौर पर कैसे समाधान कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो अस्थायी समाधान पर इसलिए हमने वीडियो बनाया था क्योंकि मान लीजिए यदि आप श्रमिकों को आधार अपडेट करने के लिए बैंक भेजेंगे या DBT मैपिंग के लिए बैंक भेजेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें 2 से 3 दिन का या 3 से 4 दिन का लगभग समय लग जाता है। तो इतने समय तक आप मस्टर को जो वो पेंडिंग नहीं छोड़ सकते फ्रेंड्स, आपको बेजलिस्ट जनरेट करके पेमेंट के लिए सेंड करना होता है तत्काल। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए हमने अस्थायी उसके तरीके के बारे में वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस आया। और आज के इस वीडियो में हम परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जो DBT आधार इनेबल की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स वो हो ही ना, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होने वाला है जिससे कि ये समस्या हमारे सामने दोबारा ना आए फ्रेंड्स और ऐसी समस्याओं का सामना हमें ना करना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो चीज़ रहती है। सबसे पहली चीज़ रहती है कि यदि मान लीजिए कोई अकाउंट होल्डर है, उनका जो आधार है वो अकाउंट से या बैंक से लिंक है और बैंक से लिंक है, लेकिन इनका जो वो DBT मैपिंग नहीं है या फिर NPCI से मैपिंग नहीं है। दूसरी कंडीशन में फ्रेंड्स ये रहता है कि आधार भी अपडेट नहीं है और DBT भी मैपिंग नहीं है, तो DBT भी मैप नहीं है। तो दोनों कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली कंडीशन में आधार अपडेट है लेकिन फ्रेंड्स NPCI से मैपिंग नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में भी इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स अकाउंट में वो आने लगती है। तो आपको सबसे पहले यदि आधार अपडेट है तो एक फॉर्म है फ्रेंड्स, वो फॉर्म को मैं आपको कुछ ही देर में फिल करके और उसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि आप कैसे NPCI से मैपिंग अपने अकाउंट की और आधार ले जाकर करवा सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद यदि आधार भी अपडेट नहीं है आपका, तो आपको एक अलग से आधार अपडेट के लिए फॉर्म फिल करना होगा और साथ में एक मोबाइल अपडेट के लिए और साथ में DBT के लिए, तीनों फॉर्म आपको एक साथ फिल करके बैंक में शाखा में जमा कर देना है। और उसके बाद 3 से 4 दिन में फ्रेंड्स आपकी आपका जो NPCI मैपिंग है वो हो जाएगी और आधार भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जब ग्राम पंचायत लेवल पे इस तरह से बेज लिस्ट जनरेट की जाएगी तो इस तरह से अकाउंट जो वो नहीं अटकेंगे फ्रेंड्स, और इस तरह से अकाउंट जो वो APBS इनेबल की प्रॉब्लम आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो चलिए हम फाइनली उस फॉर्म के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो फॉर्म क्या है और उसको कैसे फिल करना है और वो कहाँ पर आपको मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो आवेदन फॉर्मेट है वो यहां से आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, कि आधार संख्या लिंकिंग सीडिंग करने और बैंक में DBT लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन और NPCI मैपिंग का आवेदन है। यहां पर इस आवेदन में आपको डेट डालना है फ्रेंड्स, जिस तारीख को आप जो वो मैप करने जा रहे हैं वो डेट आप यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर शाखा प्रबंधक के ये आवेदन आप कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जो शाखा का नाम है यहाँ पर से टाइप करेंगे और बैंक का नाम आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद श्रीमान श्रीमती खाता संख्या, जिस श्रमिक की प्रॉब्लम APBS की इनेबल की प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स और जिस श्रमिक का आप अपडेट कराना चाहते हैं उनका अकाउंट नंबर यहां पर टाइप करेंगे, और अकाउंट नंबर पे जैसा नाम है फ्रेंड्स पासबुक में, पासबुक के हिसाब से नाम आप यहां पर इस वाले बॉक्स में टाइप करेंगे। इसके बाद एक बार और यहां पर आप बैंक खाता संख्या टाइप करेंगे। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं आधार नंबर प्रस्तुत कर रहा हूं UIDAI, मेरे आधार विवरण का उपयोग प्रमाणित के लिए करें कह रहा है। उसके बाद मुझे SMS अलर्ट भेजने के लिए मेरे मोबाइल नंबर का भी उपयोग आप करें, मोबाइल नंबर भी आपको देना है। आधार नंबर में सभी मौजूद नए भविष्य खातों और ग्राहक प्रोफाइल CIFF को अपने बैंक के साथ लिंक करें, आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से जो कस्टमर है फ्रेंड्स श्रमिक है उनके हस्ताक्षर यहाँ पर करवा देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर दो कंडीशन आपको दिखाई देगी कि मेरे पास पहले से ही बैंक खाता है और IFSC नंबर ये है, यदि आपके पास पहले से ही अकाउंट है, और आप यहां से देख सकते हैं कि और भारत सरकार से DBTI प्राप्त करने के लिए NPI से सीडेट खाता है, यदि आपके पास पहले से ही कोई NPCI से सीडेट खाता है तो आप उसका विवरण यहां देंगे। उसके बाद मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने बैंक के साथ मेरे NPCI मैपिंग DBT बेनिफिट मेरे खाते को बदल दें। यदि आपका मान लीजिए फ्रेंड्स पहले से ही किसी बैंक में खाता है, इसका मैंने एक वीडियो पहले से बताया था फ्रेंड्स आपको बनाकर, कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का खाता है और उस अकाउंट में आप श्रमिक का आधार लिंक है और मनरेगा पोर्टल पे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट अपडेट है,
तो पैसा फ्रेंड्स आधार बेस पेमेंट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल आधार बेस पेमेंट होती है। और मान लीजिए अब आधार सेंट्रल बैंक में लिंक है और आपका मनरेगा पोर्टल पर खाता स्टेट बैंक का अपडेट है, तो आप उसको सेंट्रल बैंक से हटवा के यहाँ पर इस स्टेट बैंक में आपको अपडेट करवाना होगा फ्रेंड्स। ये वही चीज़ कह रहा है कि यदि आपके पास किसी और बैंक में पहले से ही NPCI मैपिंग है तो उसका विवरण आप यहाँ से दें और उसको मौजूदा बैंक में आप बदलवा मेरे खाते को बदल दे वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स ये। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मेरा पहले से ही एक अन्य बैंक में खाता है और भारत सरकार से DBT प्राप्त करने के लिए NPCI मैप सीडेड खाता है। मैं NPCI मैपिंग DBT बेनिफिट अकाउंट में अपने मौजूदा जो बैंक है उसको बदलना नहीं चाहता। यदि आप नहीं बदलना चाहते तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन पे फिल करेंगे डिटेल, वरना आप सिंपली फ्रेंड्स इनको रहने भी दे सकते हैं। बैंक वाले आप स्वयं आपका यह काम पूरा कर देंगे फ्रेंड्स, उनको सब पता रहता है। उसके बाद अगला देखेंगे कि मैं अपने बैंक को NPCI मैपर के साथ खातों में सीड नहीं करना चाहता, मुझे DBT लाभ प्राप्त नहीं होगा। NPCI मैपर के साथ यदि आप अपने खाते को सीड नहीं करना चाहते तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में आपको DBT का लाभ नहीं होगा, इसलिए आपको दूसरे अकाउंट से NPCI को बदलवा के आपको जो अकाउंट मनरेगा पोर्टल में फीड है फ्रेंड्स उसी में आपको करवाना होगा। उसके बाद आप यहां पर कस्टमर के हस्ताक्षर करवाएंगे, उसके बाद यहां पर आप उनका नाम टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद संलग्न आधार। यहां पर फ्रेंड्स आपको आधार कार्ड की बस छाया प्रति आपको यहां पर लगाना होगा और जिस श्रमिक का खाता है उनको इस आवेदन को लेकर आपको बैंक भेजना होगा फ्रेंड्स। एक और सिग्नेचर आपको यहां पर करना होगा और इसके साथ मात्र आप आधार कार्ड की छाया प्रति बस लगाएंगे फ्रेंड्स। और ये आवेदन फ्रेंड्स आपको या तो मार्केट में मिल जाएगा, DBT मैपिंग वाला फॉर्म करके आप मांग सकते हैं किसी ऑनलाइन की दुकान में, या फिर बैंक में भी ये वाला आवेदन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स कि आप DBT मैपिंग वाला फॉर्म जो हो वो दे दीजिए करके आप यहां से मांग सकते हैं। यदि आपको ये नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है फ्रेंड्स उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। मैं इस PDF को ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे प्रिंट निकलवा कर ये काम आप करवा सकते हैं। तो